Assalamualaikum, welcome to MCQs Hub. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आर्मी मेडिकल कैडेट्स के वर्बल MCQs. जिन गर्ल्स के लिए अभी सीट्स ओपन हुई हैं उनके लिए ये मेरी वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है. सो एक भी पार्ट आप स्किप ना कीजिएगा. इसमें मैं बहुत ही डिटेल में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि किस तरह आप अपने वर्बल टेस्ट को पास कर सकते हैं आसानी के साथ. आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि किस तरह ये एमसीक्यूज आपने सॉल्व करने हैं या किस तरह आपने इसको लेके आगे चलना है. इसका पार्ट नंबर वन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सो हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ मंडे इज़ टू फेब्ररी. अगर मंडे जो है वो फेब्ररी के साथ है, फेब्ररी से लिंक किया गया है, देन फ्राइडे इज़ टू, तो फ्राइडे को किसके साथ लिंक किया जाएगा. अगर आप देखें तो मंडे जो है वो वीक का फर्स्ट डे है और जो फेब्ररी है वो ईयर का सेकेंड मंथ है. ठीक है, अब मंडे से अगर आगे हम फोर चलें तो हमारे पास आता है फ्राइडे. ठीक है, और अगर फेब्ररी से आगे हम फोर चलें, ठीक है, फेब्ररी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जून. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है 90% ऑफ 90 इज़. इसकी एक ट्रिक है कि आप 99 81, ठीक है, अगर आपके पास 80% ऑफ 80 भी आता है तो आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं 88. ठीक है, अब 99 मैंने आपसे क्यों करवाया है, क्योंकि अगर आप देखें तो परसेंटेज का साइन अगर हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100. यहाँ पे भी 90 है, यहाँ पे भी 90 है, तो ये वाला 0 90 का और ये वाला 0 100 से कट जाएंगे, तो पीछे आपके पास रह जाएगा 99, तो 81. ठीक है, 81 हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, इफ़ सेकेंड डे ऑफ मंथ इज़ संडे. ठीक है, अगर सेकेंड डे जो मंथ का है वो है संडे, तो 23rd डे जो है वो क्या होगा. अगर आप देखें तो सेकेंड डे ऑफ मंथ जो है वो संडे है, तो हम 7 उसमें क्यों ऐड करें, क्योंकि एक वीक के अंदर 7 डेज होते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 9th. तो 9th डे जो है वो भी संडे होगा. अब 9 के अंदर 7 ऐड किए 16, वो भी संडे, 16th के अंदर 7 ऐड किए तो 23rd. तो इस तरह हमें पता चला कि 23rd डे जो है वो भी संडे होगा. याद रखें कि आपके पास कोई भी पेंसिल, पेन, कोई भी आपके पास शीट, कुछ भी नहीं होगा ये सॉल्व करने के लिए, तो आपने माइंड में ये कैलकुलेशंस करनी है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गन इज़ टू सोल्जर एज डैश इज़ टू ब्लैकस्मिथ. ठीक है, गन जो है वो सोल्जर से बिलोंग करती है, तो ब्लैकस्मिथ से क्या बिलोंग करता है, हैमर. ठीक है, लोहार के पास हमेशा हथौड़ा होता है. इफ़ फेलो इज़ कोडेड एज 4655 31, देन ELLO इज कोडेड एज, अगर आप F हटा दें तो बाकी का जो कोड है 65531, तो वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. ठीक है, इनमें से रेस्ट में से डिफरेंट कौन सा है. अगर आप देखें मई, नवंबर, अगस्त, ये तीनों जो हैं वो मंथ्स के नाम हैं, जबकि फ्राइडे जो है वो वीक का एक डे है, इसलिए फ्राइडे जो है वो डिफरेंट है सबसे. नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ 5 मैन राइट्स 5 पेजेस इन 5 मिनट्स. ठीक है, अगर 5 मैन जो हैं वो 5 पेजेस राइट करते हैं 5 मिनट में, मतलब कि एक मैन जो है वो एक मिनट में एक ही पेज राइट कर रहा है ना, 5 मिनट में, सॉरी, एक मैन जो है वो 5 मिनट में एक ही पेज राइट कर रहा है, तो आगे उसने पूछ भी लिया है, देन वन मैन विल राइट 1 पेज इन 5 मिनट्स. ठीक है, हर बंदा 5 मिनट ही लेगा एक पेपर को राइट करने के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास, वट इज़ द नेक्स्ट नंबर ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. ठीक है, सीरीज़ क्या है, 4, 8, 24 और 96. अगर हम देखें तो 4 2 8, 8 3 24, 24 4 96, 96 5 480. ठीक है, इस तरह आपने ये सीरीज़ फॉलो करनी है. नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, ट्रेन स्पीड इज़ डबल देन दैट ऑफ द कार एंड द कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर्स इन 1 आवर. ठीक है, कार जो है वो 30 किलोमीटर्स जो है वो 1 आवर में कवर कर रही है, तो ट्रेन कितनी कवर कर रही होगी, 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है. देन हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल कवर इन 30 मिनट्स, तो हम उसका हाफ कर देते हैं 60 किलोमीटर्स का, तो वो आ जाएगा 30 किलोमीटर्स, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 30 किलोमीटर्स.
नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। जैसे अभी आपको ऊपर हमने बताया था कि सेकंड से हमने 23rd डे की तरफ जाना था, अब 15th से हमने 4th डे की तरफ, मतलब हम माइनस करेंगे, ठीक है। अगर 15th डे ऑफ मंथ इज़ मंडे, अगर मंडे है देन 4th डे ऑफ मंथ इज़, तो वो क्या होगा, 15 में से हमने 7 माइनस किए, 8 आ गया। अब 8 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो कम हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। तो हमने तो 4 तक जाना है, तो हम 8 में से 4 माइनस करते हैं, तो हमारे पास 4th डे क्या होगा। अब मंडे से आप प्रीवियस बैक आए, संडे, सैटरडे, फ्राइडे और फिर थर्सडे, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्सडे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ़ द यस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर जो पिछला दिन गुजर चुका है वो फ्राइडे है, देन द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद जो दिन आएगा वो क्या होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा हमारे पास, वो मंडे होगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ कि यस्टरडे अगर फ्राइडे था पिछला दिन, तो टुडे क्या है, सैटरडे है, टुमारो कल क्या होगा, संडे होगा, तो डे आफ्टर टुमारो क्या हो जाएगा, मंडे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हीकल इज टू व्हील्स, व्हीकल जो है वो व्हील्स के बदौलत चलती है, तो साउंड किसके ज़रिए जो है वो प्रोपिगेट होते हैं, वेव्स के थ्रू, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वेव्स। नेक्स्ट है, व्हाई पीपल रीड न्यूज़पेपर्स, पीपल रीड न्यूज़पेपर क्यों रीड करते हैं, तो पीपल न्यूज़पेपर इस वजह से रीड करते हैं, टू गेट नॉलेज, ठीक है। आपने इसका बेस्ट पॉजिटिव आंसर देना है, फॉर टाइम पास नहीं कर सकते, फॉर इंटरटेनमेंट भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेगेटिव कम्युनिकेशन दे रहे हैं, फॉर नो रीज़न ये भी कोई अच्छा आंसर नहीं है, तो टू गेट नॉलेज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, व्हाई पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, पेरेंट्स जो हैं वो चिल्ड्रन को स्कूल क्यों भेजते हैं, टू ग्रूम देमसेल्व्स, ठीक है। टू अर्न मनी ये नेगेटिव में आ जाता है, टू किल द टाइम ये भी नेगेटिव है, फॉर एंटरटेनमेंट ये भी नेगेटिव है, तो बेस्ट पॉजिटिव आंसर जो है वो क्या है, टू ग्रूम देमसेल्व्स। नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ 120 इज, 1/3 जो है वो 120 का क्या होगा, 1/3 मतलब 1/3, तो 1/3 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3/4 12 और 7 में 0, तो 40, ठीक है, 40 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, टाइगर, वोल्फ, लैम, लेपर, ठीक है। अब ये जो बाकी हैं ये खूनखार जानवर हैं, जबकि लैम ये खूनखार नहीं है, इसलिए लैम जो है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास, बर्ड इज़ टू केज, बर्ड का जो है वो केज होता है, तो प्रिजनर का क्या होता है, लॉकअप होता है, ठीक है, प्रिजनर को लॉकअप में रखा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है, विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान या काबुल, ठीक है। अब लाहौर, पंजाब और काबुल जो है वो प्रोविंसेस के नाम है, जबकि पाकिस्तान जो है वो कंट्री का नाम है, इसलिए पाकिस्तान अलग है। नेक्स्ट है, इफ़ माई ब्रदर्स सिस्टर इज़ योर मदर, अगर मेरे भाई की जो बहन है वो तुम्हारी मदर है, देन हु आई एम टू यू, तो वो क्या है, अंकल है, ठीक है, अंकल, कि आपके अंकल आपसे पूछें कि मेरा जो भाई है वो आपकी मदर का भी भाई है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि वो आपके क्या लगे, मैं आपका क्या लगा, तो अंकल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ए डी आई एल क्यू एस एम पी ई एच, ठीक है। तो अगर आप देखें, ए बी सी दो छोड़े हुए हैं, डी आ गया, आई के बाद कितने छोड़े हुए, आई के एल सॉरी आई के बाद भी दो छोड़े हुए हैं, तो एल आ गया, क्यू आर एक छोड़ा हुआ है, पी के बाद क्या, एम के बाद क्या आया, के एल एम एन ओ पी, ठीक है, दो छोड़े हुए, ई ए बी सी डी ई एफ जी दो छोड़े हुए, एच आ गया, तो हमारे पास किस में कम छोड़े हुए हैं, क्यू एस में एक छोड़ा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। इंक इज़ टू पेन एज डैश इज़ टू पेंसिल, ठीक है, इंक जो है वो पेन में डलती है, तो पेंसिल में क्या होता है, लेड, ठीक है, सिक्का होता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ़ अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, देन द परसेंटेज ऑफ एबसेंट स्टूडेंट्स विल बी, अब इसमें प्रेजेंट एब्सेंट स्टूडेंट्स का पूछा हुआ है, किसी क्वेश्चन में आपसे प्रेजेंट स्टूडेंट का भी पूछ सकते हैं,
कई दफ़ा प्रेजेंट स्टूडेंट्स का भी पूछा हुआ है, इसलिए आपने ये गौर से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो इसका आंसर है 20%। तो इसका सॉल्यूशन मैंने जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो है 12 टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, टोटल कितने थे 1500 माइनस 1200, तो कितने आगे एबसेंट स्टूडेंट्स आगे 300। अब जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो है 300 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1500 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आ गया आंसर 20। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई पीपल यूज़ कार। तो इसका बेस्ट पॉजिटिव आंसर है टू ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला हमारे पास एमसीक्यूज़ है, विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, मेयर, फॉक्स, लैस या हिन। तो लैस जो है वो आउट ऑफ द लिस्ट है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इससे ये होगा कि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।